बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका बेटा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है, यानी पहला जो सवाल है बेटा आपका 5.2 एक्सरसाइज का उसका तीसरा और चौथा पार्ट हमने करने हैं। इसमें बेटा फैक्टराइजेशन करनी है इनकी, ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू है a की पावर 4 प्लस 3 ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर और ये बेटा आपके पास है प्लस 4 बी की पावर 4। अब हमने क्या किया बेटा, हमने करना ये है कि ये जो वैल्यू है इसको अगर हम बेटा इस तरह लिख लें, ये जो आपके पास था 3 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको हम लिख लें 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब इसका मतलब ये है बेटा कि 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर में से जब माइनस 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस करेंगे 4 में से 1 तो कितना रह जाएगा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया और प्लस ये वाली जो रकम है 4 बी का स्क्वेयर, इसको बी की पावर 4 को एज इट इज लिख लिया। अब बेटा ये ए की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, सॉरी या पहले ऐसे कर ले 4 बी का जो है पावर 4 ये वाली, इसको हमने लिख लिया पहले ये वाली फिर ये वाली और फिर ये वाली रकम लिखी प्लस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इसको लिख लिया, यानी हमने इनकी तरतीब चेंज कर ली है, ये रकम को हम पहले ले आए हैं। अब बेटा इसका फार्मूला बन जाएगा, ये ए स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर आ गया यहाँ पे प्लस ये बेटा 2 बी स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर आ गया, यानी 2 का स्क्वेयर लेंगे 4 और बी का लेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट बेटा प्लस इसकी जगह हमने लिखा 2, उसके बाद साथ ए का स्क्वेयर और साथ बेटा 2 बी का स्क्वेयर, अगर इसको मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यूज को, 2 को 2 से किया 4, साथ ए स्क्वेयर और साथ बी स्क्वेयर और ये माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को ऐसे ही लिख दिया। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने 3 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को 4 क्यों बनाया था, ताकि हमारे पास ये फार्मूला बन जाए, ये बेटा आपके पास ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, ए इसमें ए का स्क्वेयर है और बी इसमें 2 बी स्क्वेयर है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा ये फार्मूला बन गया आपके पास ए प्लस बी, ये बेटा ए था और ये बी था, इसका होल स्क्वेयर, ये फार्मूला आ गया। माइनस ये बेटा आपके पास जो वैल्यू है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको हम ए बी का इकट्ठा स्क्वेयर लिख लेंगे, ए का करेंगे ए स्क्वेयर आ जाएगा, बी का बी स्क्वेयर आ जाएगा, तो इकट्ठा लिख लिया। अब देखें आपके पास बेटा दो वैल्यूज है, एक ये और एक ये, दोनों का स्क्वेयर है और दरमियान में क्या है माइनस, जब दो रकमों का स्क्वेयर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा उनको प्लस में लिखते हैं और दूसरी दफ़ा उनको माइनस में, यानी आप क्या करेंगे बेटा पहली दफ़ा ए स्क्वेयर प्लस 2 बी स्क्वेयर पहली रकम प्लस दूसरी रकम, एक दफ़ा इनको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा पहली रकम ये वाली बेटा और माइनस दूसरी रकम, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये इसकी बेटा फैक्टराइजेशन हो गई है, फैक्टर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था 5.2 एक्सरसाइज का उसका बेटा थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, ये बेटा आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है 4 एक्स की पावर 4 प्लस 81, इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, इसका फार्मूला बनाने के लिए हमें प्लस बेटा यहाँ पर करना पड़ेगा 36 एक्स का स्क्वेयर, ये अपने पास से हमने ऐड किया, ये यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये दोनों रकमें ऐसे ही, तो मैथ का ये रूल है जो अपने पास से वैल्यू प्लस करते हैं वो बेटा आपको माइनस भी करनी पड़ेगी, तो ये साथ हमने माइनस भी कर दिया, यानी अपने पास से ये वैल्यू ऐड की तो ये साथ माइनस भी कर दी। अब बेटा क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या लिख लिया 2x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यानी जब ये स्क्वेयर लेंगे 2 का 4 बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा प्लस ये 81 की जगह बेटा आ जाएगा 9 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर 81 होता है, फिर ये जो 36 एक्स स्क्वेयर है इसको हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू ये a वाली रकम 2x स्क्वेयर और फिर ये b वाली रकम ये है 9, तो ये बेटा इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, हाँ क्या बनता है 2 को 2 से किया 4, 4 को 9 से करेंगे तो 36 और साथ x का स्क्वेयर,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस टू ए बी बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, इन तीनों का बेटा ये फार्मूला बन गया। और ये जो माइनस 36x स्क्वेयर है इसको वैसे ही लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए इसमें बेटा ये 2x स्क्वेयर है और बी इसमें 9 है। उसके बाद माइनस ये बेटा जो 36x स्क्वेयर है इसको क्या आप इस तरह लिख सकते हो, 6x का होल स्क्वेयर, क्योंकि बेटा जब आप 6 का स्क्वेयर लेंगे 36 बन जाएगा, x का लेंगे तो x स्क्वेयर, इसका मतलब ये हुआ इस रकम की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये दो वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये है, दोनों का स्केयर है, दरमियान में क्या है माइनस। जब दो रकमों का स्केयर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा पहली रकम में प्लस कर देते हैं, ये पहली रकम इसमें प्लस कर देंगे दूसरी रकम को, यानी एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया और एक दफ़ा पहली रकम ये वाली और इसमें माइनस कर देंगे दूसरी रकम को 6x को। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 5.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई मसला हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके बेटा नोट्स चाहिए पीडीएफ फाइल में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।